गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 का आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखिए, जो चैप्टर 2 है वो हमारा कौन सा चैप्टर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने तीन पार्ट पढ़े हैं। पहला पार्ट पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या इंक्लूड किया है? फर्स्ट पार्ट में हमने इंक्लूड किया है कि जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि एक एटम में होते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैनाल रेज क्या है, कैथोड रेज क्या है, फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था। ठीक, पार्ट टू में हमने क्या पढ़ा था, मतलब इस चैप्टर का जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़े थे मॉडल्स। मतलब एक तो हमने ये पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, ए क्या होता है, जेड क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है, और थॉमसन मॉडल क्या कहता है, रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है। फिर पार्ट थर्ड जो था उसमें हमने बोहर के मॉडल के बारे में पढ़ा था कि बोहर के मॉडल ने एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, उसने क्या कंसिडरेशन किया। ठीक है, तो जो बोहर का मॉडल था उसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिन्हें शेल कहा गया था, शेल को KLMN उसे डिफाइन किया गया था। फिर ये बताया गया था कि एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है, लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और अपर लेवल से लोअर में आता है तो एनर्जी को एमिट करता है। ठीक है, और एनर्जी डिफरेंस इन दो लेवल्स या दो जो एनर्जी लेवल्स है जिनको जो कि शेल है से हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके लिए हमने कल पढ़ा था डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। उसके बाद अब आज हमारा स्टार्ट होता है पार्ट फोर। तो पार्ट थ्री मैंने बता दिया क्या है, आज है इट्स अ पार्ट फोर। कौन सा है ये? पार्ट फोर है। पार्ट फोर में देखिए, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। कल मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। वैसे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है? सबसे पहली बात है कि किसने दी थी? इट इज गिवन बाय मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल ने। ये क्या कहती है? ये कहती है कि एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, कोई भी सोर्स है जिससे एनर्जी निकल रही है, मान लीजिए बल्ब भी है, तो किसी भी सोर्स से जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो किससे, आप बल्ब को जलाइए तो एनर्जी, मतलब लाइट आने लगती है, तो लाइट भी तो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जो एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में होती है? कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, मीन्स कंटिन्यूअसली निकलती रहती है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअसली निकलती रहती है। और किस फॉर्म में निकलती है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो किसी भी सोर्स से, फ्रॉम एनी सोर्स, इफ एनर्जी इज एमिटिंग, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो रेडिएशन के फॉर्म में होगी, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट टेल्स कि रेडिएशन कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द रेडिएशन। क्या मतलब हुआ कि यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है जो कि चार्ज्ड है। सबसे पहली बात है कि एक पार्टिकल है जो कि चार्ज्ड है, और अंडर एक्सीलरेशन, हमने एक्सीलरेशन, जब चार्ज पार्टिकल है तो एक्सीलरेशन बढ़ाने पर ये मूव कर रहा है। ठीक है, साथ में जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? ये ऑसिलेट भी कर रहा है। ऑसिलेट का मतलब अपने प्लेन के ऊपर नीचे भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। मीन्स ये एक पार्टिकल है, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन का मतलब अपने ही ऊपर नीचे होना, ऑसिलेट करना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंपन करना। तो वो अपनी जगह पर भी कंपन कर रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो जो चार्ज पार्टिकल है जब वो एक्सीलरेट होता है तो उसमें ऑसिलेशन के साथ साथ वो क्या करता है? आगे मूव होता है। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल जो है वो आगे मूव हो रहा है, लेकिन साथ में जब वो आगे मूव हो रहा है तो दो फील्ड भी जनरेट हो रहे हैं। कौन कौन से फील्ड जनरेट हो रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट हो रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पर ये जो पार्टिकल आगे मूव कर रहा है उसके भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है क्या बात कही जा रही है? देखिए, तो ये जो पार्टिकल, जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल मूव कर रहा है, ये किस फॉर्म में मूव कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये थ्योरी कहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि इफ अ पार्टिकल इज चार्ज, कोई भी पार्टिकल यदि वो चार्ज है और उसको एक्सेलरेट किया जाए, तो वो जो आगे मूव करता है वो किस फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ वेव। और जब वो आगे मूव कर रहा है, ऑसिलेट करते हुए जब वो आगे मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो दोनों फील्ड्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और उस पार्टिकल के डायरेक्शन के, उस पार्टिकल की जो पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है? वेव की डायरेक्शन, क्योंकि पार्टिकल कैसे चल रहा है? वेव के फॉर्म में चल रहा है। तो जो डायरेक्शन ऑफ वेव है उसके ये दोनों फील्ड्स क्या है? परपेंडिकुलर है, आपस में भी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर है। देखिए कैसे लिखा है, वापस से समझिए कि रेडिएशन कंसिस्ट, जो रेडिएशन है मीन्स जो भी पार्टिकल है, इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं ड्यू टू ऑसिलेशन, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो कि ऑसिलेट भी कर रहा है, एक्सिलरेट भी हो रहा है। इस चीज को यहाँ पर इस डायग्राम को समझिए, मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये यहाँ पर इस तरीके से, अब आपको पता है कि प्लेन तीन होते हैं, एक्स वाई जेड, और तीनों ही परपेंडिकुलर है। ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, और ये जेड प्लेन है, तीनों प्लेन है ना, एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये पार्टिकल है विच इज चार्ज पार्टिकल, इट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, ऑसिलेशन के साथ साथ ये आगे जो बढ़ रहा है वो वेव के फॉर्म में बढ़ रहा है, ठीक है, वेव के फॉर्म में बढ़ रहा है। देखिए यहां पर ये जो मैंने बताया, वेव के फॉर्म में बढ़ रहा है, क्योंकि ये 3D है इसलिए। तो देखो तीन प्लेन है, कौन कौन से प्लेन है? एक प्लेन तो ये है, एक प्लेन तो नॉर्मल प्लेन है, एक उसके, एक तो एक्स वाला एक्सिस है, एक उसके परपेंडिकुलर है वाई, और एक उसके भी परपेंडिकुलर है जेड। तो एक प्लेन तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी कि पार्टिकल जो है, जो चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, वो वेव के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है इन द इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे, ये तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, ये वाला, ये जो मैंने लाइंस बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है ये, और ये जो इस तरीके से बनाया है, इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन साथ में उस पार्टिकल जो कि डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके भी परपेंडिकुलर है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है दीज रेडिएशंस, These radiations possess wave character, which is the very important. Electromagnetic radiation का मतलब है कि radiation जो है या जो particle है वो किस form में move कर रहा है? Wave के form में move कर रहा है, तरंग के रूप में, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। And travel, और ये जो radiation है जो कि wave के form में आगे बढ़ रही है, travel with velocity of light. तो ये जो wave आगे बढ़ रही है इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी गति क्या है, ये किस वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है? लाइट की वेलोसिटी से। और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3×10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम किससे बताते हैं? सी सिंबल से बताते हैं, ये कुछ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ये वेव जो है वो आगे मूव कर रही है, और इस वेव को चलने के लिए, इस वेव को मूव करने के लिए कहीं पर भी किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब वो वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं। वैक्यूम में क्या होता है? कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है। तो वैक्यूम में भी वो मूव कर सकती हैं। तो दीज आर द पोस्टुलेट्स और द पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब जब ये कह दिया गया जेम्स मैक्सवेल के द्वारा कि जो रेडिएशन है या जो चार्ज पार्टिकल है वो वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है,
तो हमें वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि जो वेव है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए वेव इस तरीके से बनाएंगे हम, वेव सबने देखी हुई है, ऐसे ऐसे हम बना सकते हैं वेव, ठीक है। वेव में देखिए क्या क्या चीज हो सकती है, सबसे पहली है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो बहुत सारी है, जैसे आजकल आप देखते हैं, अपन कहते हैं कि भाई सबके पास फोन होते हैं, सबके पास नेट है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नेट की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम किससे बताते हैं, न्यू से बताते हैं, किससे बताते हैं, न्यू। न्यू को हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड, एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है, ये पॉइंट है, इससे निकलने वाली वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, एक मिनट में, एक मिनट या एक सेकेंड मान लीजिए आप, एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर से एक सेकेंड में निकलने वाली नंबर ऑफ वेव्स जो भी होंगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा पास हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स कम पास हो रही है, किससे, एक पॉइंट से, कब, इन वन सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट इज अ हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। आप रेडियो सुनते हैं उसमें आप कोई भी देखते हैं वो बोलती है इतने हर्ट्ज पर, तो इतने हर्ट्ज पर, तो हर एक रेडिएशन एक अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से मूव करती है, उसको हम हर्ट्ज कहते हैं। और हर्ट्ज की जो यूनिट, हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है वेलोसिटी, वेलोसिटी सबको पता है, ये जो आप वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं आपके फिजिक्स में भी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है किसी भी वेव से, वेव के द्वारा, ठीक है। एक सेकेंड में यदि वो 10 मीटर चलती है तो हम कहेंगे वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। यदि वो 20 मीटर चलती है तो हम कहते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है इन वन सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। देन कम अनदर टर्म, दैट इज एम्पलीट्यूड। व्हाट डज इट मीन, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए जो आपको वेव बताई है, इस वेव में जो वेव को हमने इस तरीके से पार्ट किया कि एक वेव जो है उसका कुछ पार्ट तो प्लेन के बिलो है और कुछ प्लेन के अबव है। तो जो प्लेन के नीचे वाला पार्ट है उसमें जो मिनिमम, जो सबसे लोएस्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ट्रफ, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, ठीक है। प्लेन के अबव यानी वेव जो है, वेव ऐसे चल रही है तो वेव जो चलती है वो उसका कुछ पार्ट प्लेन के अबव रहता है, कुछ प्लेन के बिलो रहता है। तो जो जो टॉप मोस्ट पार्ट है उस वेव का, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, और जो लोएस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रफ। तो एम्पलीट्यूड का मतलब कि ये वेव जो जा रही है, इस वेव का, इस वेव की हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, देखिए क्या लिखा है, हाइट ऑफ क्रेस्ट। हाइट ऑफ क्रेस्ट का मतलब मान लीजिए ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये इस तरीके से जा रही है। तो अब आप बताइए इसमें क्या, इसमें तो कौन सी वाली वेव में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इस वाली में, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, क्रेस्ट की जो हाइट है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट की हाइट, ठीक है। तो हाइट ऑफ क्रेस्ट, या तो आप क्रेस्ट की हाइट बता दो या ट्रफ की डेप्थ बता दो। दो वेव है, एक वेव ये है, एक वेव ये है, आपसे पूछा जाए विच वेव हैज अ मोर एम्पलीट्यूड, देन यू हैव टू से दैट दिस वेव हैज अ मोर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ लेंथ, इसकी यूनिट यूनिट ऑफ लेंथ ही होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को आप हाइट से बता सकते हैं। फिर आपके पास आता है वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम लैम्डा से बताते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ये दो कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्रेस्ट क्या है, एक क्रेस्ट के बाद जो दूसरा क्रेस्ट आएगा, दोनों के बीच में क्रेस्ट, ऐसे यदि कोई वेव है मान लीजिए वो ऐसे भी और भी आगे 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 बढ़ती चली जाएगी, तो ये नहीं इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के बीच की दूरी नहीं, कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव के बाद मतलब तुरंत एक एक के बाद जो दूसरे आने वाली है, तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो मान लीजिए एक क्रस्ट ये है और एक क्रस्ट ये है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय वेवलेंथ, ठीक है।
तो वेवलेंथ जो है उसको हम एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10^-10 मीटर्स के इक्वल होता है। फिर आता है वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर जो होता है वो वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। वेव लेंथ आपको अभी बताई थी, वेव लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। अब आपने वेव लेंथ निकाली, वेव लेंथ का आप जो भी इन्वर्स करेंगे वो क्या कहलाएगा, दैट इज वेव नंबर। ठीक है, ये क्या होगी, या तो ये मीटर इन्वर्स होगी या ये सेंटीमीटर इन्वर्स होगी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ इज नोन एज वेव नंबर। सो दीज, ये हम जब भी किसी भी वेव के बारे में पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आती है। उसके बाद एक और थ्योरी दी गई, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, जो साइंटिस्ट प्लैंक था उसमें जो क्वांटम थ्योरी थी उसने क्या कहा, उसने देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो क्या बताती है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो वेव के फॉर्म में मूव करता है, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जो रेडिएशन है, वो किस फॉर्म में मूव करती है, पार्टिकल के। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस फॉर्म में मूव कर रही थी, वेव के फॉर्म में मूव कर रही थी। यहाँ पर वो किस फॉर्म में मूव कर रही है, पार्टिकल के फॉर्म में मूव कर रही है, यहाँ पर वेव नहीं है। ठीक है, तो जो रेडिएशन है, पहला पॉइंट है कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल के फॉर्म में मूव करती है, उसका नेचर जो है वो पार्टिकल का होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है कि एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। कि जब एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है वो लोअर लेवल से हायर में जा रहा है या हायर से लोअर में जा रहा है, तो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिट करेगा। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में हो रही है, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में हो रही है। उसको हमने क्या कहा, क्वांटम कहा या फोटोन कहा। यदि हम लाइट को, यदि हम हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट है तो वो क्या है, फोटोन के फॉर्म में होगा। कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन छोटे छोटे बंडल्स, एनर्जी के बंडल्स की या पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटम या फोटोन कहते हैं। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम, तो प्लैंक थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब हुआ, ई इज फॉर एनर्जी, एनर्जी किसकी, क्वांटम की। क्वांटम क्या है, जब एक एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है तो जो निकल रही है जो एनर्जी उसको हम किसमें बता रहे हैं, क्वांटम में बता रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया तो हमने एक कॉन्स्टेंट लगाया, दैट इज कॉल्ड एच। ई इज इक्वल टू एच क्यू, वेयर एच इज अ प्लैंक कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.62 × 10^-34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो एनर्जी इसके बराबर हो गई, एच क्यू के बराबर हो गई। अब जो एनर्जी है वो किसमें होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है, तो हम उसको यहां पर एन भी लिख देते हैं, एन की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है। ठीक है, यदि हम यहां पर देखिए, यहां पर जो प्लैंक कांस्टेंट बताया हुआ है वो बताया है 6.62 × 10^-34 जूल सेकेंड। इसको हम 6.62 × 10^-27 आर सेकेंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जूल बराबर किसके होता है, 10^-7 आर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप जूल में भी, जूल भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है, वो भी आपके आगे धीरे धीरे यूनिट्स आएंगी। अब आप देखिए ई बराबर एच क्यू, तो यहां पर एक न्यूमेरिकल फॉर्म हो जाता है कि यदि वो आपको किसी भी रेडिएशन की एनर्जी कैलकुलेट कराता है, यदि आपको वो फ्रीक्वेंसी दे देता है, तो फ्रीक्वेंसी दे देता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए उसने आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी, तो देखिए इससे एक एक्सप्रेशन और डिराइव होता है। वो एक्सप्रेशन क्या है, देखिए ये एक रिलेशन होता है, दैट इज सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू
में 10^8 मीटर पर सेकंड होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या है वेवलेंथ, सी बराबर न्यू लैम्डा, इट्स अ रिलेशन, ठीक है। अब आप देखो ई बराबर एच न्यू है तो न्यू की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, न्यू की वैल्यू यहाँ पर, सी बराबर न्यू लैम्डा है तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन लैम्डा हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सी अपॉन लैम्डा लिख दिया। तो एनर्जी कैन बी एनर्जी ऑफ ए क्वांटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और लैम्डा से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ई बराबर एच सी न्यू बार, ई बराबर एच सी न्यू बार, देखो क्या हुआ, एच सी वन अपॉन लैम्डा, वन अपॉन लैम्डा किसके बराबर होता है, न्यू बार के बराबर होता है, न्यू बार इज अ वेव नंबर। तो आपसे वो फ्रीक्वेंसी दे सकता है, लैम्डा दे सकता है, वेव नंबर दे सकता है, इन तीनों से आपसे वो एनर्जी कैलकुलेट करा सकता है। तो आप ये दोनों थ्योरीज को पढ़ेंगे, इसके आगे हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो इट्स अ पार्ट 4 विच कवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। थैंक यू।